देखिए ये क्वेश्चन है, जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो, ये सजेशन है कि क्वेश्चन जब आप पूछते हो, ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी जरूर बताओ कि किस यूनिवर्सिटी का है। बाकी की इन्फॉर्मेशन की भी जो आपने क्वेश्चन है उसमें कभी पेपर की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट बताने हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन के कई बार सिर्फ पीजी बता देते हो, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं आप देते। ये भी इन्फॉर्मेशन आपने किस ईयर में की है, जो रेलेवेंट है वो सभी बताओ। कोशिश करो, वॉइस मैसेज कर दो, वो सुन लेता है ना शख्स, कोई बात नहीं, आप वैसे भी करते हो तो यहाँ भी करते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में रूल, डेट, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ डिफरेंट है दूसरी यूनिवर्सिटी से। दूसरा एक दो बातें जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं कि ईयर से आपका इसलिए इसलिए ताल्लुक है कि एनुअल सिस्टम में की हुई है आपने या सेमेस्टर सिस्टम में की है, इस पर भी यूनिवर्सिटी वेरी कर रही है। आपने 3 साल पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो सब्जेक्ट है ना, ये सब कुछ पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछना है, काइंडली यूनिवर्सिटी का नाम जरूर बताओ, मेरी काफ़ी जो है वो क्लैरिटी हो जाती है। दूसरा है कि आप वर्किंग आवर में, ऐसी प्रॉब्लम है वर्किंग आवर में फ़ोन करो, अगर इमरजेंसी है, स्ट्रेस नहीं लेना, तो मुझे फ़ोन करो, अगर मैं पता कर सकता हूँ। कई बार तो सचमुच में मैं अपना बाइक रोक के ये वो के आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है, आपकी टेंशन कम हो जाए, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व है, आपकी टेंशन कम हो जाए, आपकी टेंशन आप ज़्यादा ज़रूरी हो, दैट इज़ वाई, तो आपने प्रॉब्लम को ज़्यादा ज़रूरी बना रखा है। तो वो इन्फॉर्मेशन काइंडली आप सारी दीजिए जब भी आप पूछते हो। एक बात और, जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सर ऐसे हैं, तो जब आप वो प्रोसेस करते हैं और क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, अपनी पूरी प्रॉब्लम को विजुअलाइज कीजिए। विजुअलाइज करने के बाद सोचना है पहले स्टेप, दूसरा ऐसे ऐसे करूँगा है ना, तो वो सारे क्वेश्चन लिख लीजिए एक स्लिप पर, वॉइस मैसेज नोट कर लीजिए, फिर सारे इकट्ठे पूछिए। क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटी पूछना होता है तो बार बार यूनिवर्सिटी फ़ोन करना पड़ता है, कई बार तो यूनिवर्सिटी वाले बिजी होते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, तो एक बार में वो सभी उत्तर दे देते हैं, वो सभी अच्छे हैं, वो उत्तर देते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के, पटियाला यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी का हाँ नंबर कभी कम उठता है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं, बता देते हैं, तो बिजी होते हैं, मैं उनको कोई भी दोष नहीं दे रहा हूँ, उनकी प्रशंसा ही कर रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन का क्लब करके कि ये मेरे क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम, कई बार फीस पूछनी होती है जी, एग्ज़ाम कहाँ हो सकते हैं, सेंटर कहाँ बन सकता है, तो जो मैं ये चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी है, तो आप विजुअलाइज करके अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, उसके फीचर लिखिए कि ये मेरी मेजर प्रॉब्लम है, मेरी टेंशन का कारण है, फिर मेरे से क्लियर कीजिए, फिर मैं यूनिवर्सिटी पूछ देता हूँ, ठीक है। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि कोई भी क्वेश्चन पूछना है, हमारा एजुकेशन का है, हमारा अभी रोमांस के क्वेश्चन तो शुरू नहीं, प्रेमी प्रेमिका के क्वेश्चन नहीं शुरू, काउंसलिंग के नहीं अभी शुरू हुए, वो भी होंगे शुरू, तो अभी यूनिवर्सिटी का नाम जरूर बताना है। थैंक यू।